हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे। मैं बहुत खुश हूँ। चलते हैं आज ब्यूटी की किचन में एक नई वीडियो के साथ। बताना आपको कल की वीडियो कैसी लगी मेरी, और आज कुछ बनाते हैं नए। तो चलते हैं वीडियो में। तो ये मैंने लिए हैं आधा किलो काले वाले उड़द साबुत। मैंने इसमें राजमा नहीं डाला है, आप लोग चाहें तो राजमा भी डाल सकते हैं इसमें। अब इसे मैं रखती हूँ, इसमें थोड़ा सा डालूंगी नमक। इसे मैं रखती हूँ उबलने के लिए। मैं करीब 5-6 सीटी आने देते हैं, उसके बाद तब तक करती हूँ मसाला तैयार इसका। तो मैंने एक टमाटर काटा है इसमें, और 2 प्याज लिए, 4-5 लहसुन कली लिए, और अदरक। अब इसे मैं मिक्सी में पीस लूँगी बिल्कुल, उसके बाद का प्रोसेस फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मसाले को मैंने पीस लिया है, इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक, इसे मैंने पीस लिया। अब रखते हैं कुकर। थोड़ा सा बटर, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक मैंने पहले भी डाला था तो थोड़ा ही डालूंगी। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी मलाई। आपके पास अगर क्रीम है तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं। डालती हूँ दाल को, yeah।
पानी नहीं डालती मैं इसमें। थोड़ा सा पड़ेगा गरम मसाला, इसमें एक सीटी और मार दूंगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो बनाते हैं आप रोटी, उसके बाद लगाऊंगे प्लेट, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। साथ है बहुत पतली पतली रोटी, वैसे तो रुमाली रोटी अच्छी लगती है, बट अगर हम घर पे बनाते हैं तो बहुत पतली पतली रोटी अच्छी लगती है दाल मखनी के साथ।
इस तरीके से आप एक साथ चार रोटी बना सकते हो अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाता तो, जल्दी बन जाती है रोटी। अरे भाई ये वाली फूली नहीं है, कैसी लगी आपको मेरी थाली? प्लीज अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। नमक ज्यादा है, मिर्ची ज्यादा है, बताना तो पड़ेगा ना आपको, तभी मैं कुछ अच्छा बना पाऊंगी। तो प्लीज शेयर करना ना भूलें और चलते हैं इस वीडियो के एंड में। कल मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ।